हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन चंकी ग्रेवी वाली सब्जी। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम सोयाबीन चंकी है और इसको हमने पानी के अंदर भिगोकर रख दिया था एक घंटे पहले। और अब इसके अंदर थोड़ा नमक डालेंगे जिससे कि यह जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका कड़वाट भी कम हो जाएगा। सोयाबीन की सब्जी के अंदर काफ़ी विटामिन्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए हमने जो अन्य इंटीग्रेट काम में लेंगे वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर हमने लहसुन और लाल साबुत मिर्च और नमक, जिसका हमने अच्छी तरह से पीस कर पेस्ट तैयार कर लिया है। ओनियन जिसको बारीक कट कर लिया है और टमाटो जिसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर पिसा हुआ वो एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम एक चम्मच की सेंटर वाली चम्मच की सहायता से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी के लिए मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जो हमारे पास पिसा हुआ मसाला वो अलग हमने डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके लिए हम 4-5 लौंग काम में लेंगे, तेज पत्ता काम में लेंगे। आज हम सोयाबीन की चंकी सब्जी एक अलग तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हमने सोयाबीन को अच्छी तरह से भिगो दिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। देखिए, इसमें बहुत भारी मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, कैल्शियम की पूर्ति होती है। सोयाबीन चंक वाली ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये देखिए, हमारी इसको निचोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही देखना। इसको पानी अब इसको अलग एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे। हमें इसको निचोड़ना नहीं है, हमने इसका पानी नहीं निकाला है, तो हम ऐसे ही निकाल लिए। और इसे कि अब नमक डालने से इसका जो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है, और इसको अगर हम निचोड़ के रखेंगे तो ये कुछ हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, पतीले को ऊपर रख दिया है और ये गर्म हो चुका है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। देखिए, हमने एक बड़ा चम्मच सरसों तेल का डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज डालेंगे, इसको आज हम डीप फ्राई करेंगे। तब उसको लगातार चलाते रहे। देखिए, हमारे प्याज हल्के हल्के भुनने लगे। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा ही डीप फ्राई करना है, इससे इसके अंदर जो कड़वापट है वो नहीं रहेगा। इस प्रकार प्याज डीप फ्राई करके बनाएंगे। तो ये देखिए, हमारे प्याज है वो डीप फ्राई हो चुके हैं। इसको हम ज़्यादा भुनना नहीं है, थोड़ा भुनने से पहले इसको निकाल लेना है। इसको हम निकाल देंगे। इसमें तेज पत्ता डालेंगे, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होते पकाएंगे। और लौंग डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसको चटकने तक पकाते हैं थोड़ा। देखिए, हमारा जीरा पककर तैयार हो चुका है। अब इसे मसाला ऐड करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम एक अलग प्रकार से ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब तक हमारा मसाला तेल नहीं सफेद हो, तब तक इसको पकाएंगे।
मीडियम कलर कर के उठा रहे हैं। देखिए हमारा मसाला वो बिल्कुल अलग ऑयल स्प्रेड हो गया। अब इसमें हम टमाटो डालेंगे, इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो टमाटो को लगातार चलाते हैं ताकि ये अच्छी तरह से टमाटो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। चार चैन पहले बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं ताकि सब्जी सब्जी बहुत अच्छी ग्रेवी वाली बनकर तैयार हो। इसमें जो हमने प्याज को फ्राई किया था, प्याज और डाल दिए, उसको हमने पहले ही थोड़ा डीप फ्राई कर दिए थे। जो स्टार्च से अगर आप सब्जी बनाओगे तो सोयाबीन की सब्जी बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार होगी और खाने का टेस्ट भी कुछ अलग आएगा। बहुत लाजवाब ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार होगी। वीडियो में लगातार दे रही और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। इसमें थोड़ा आधा कप पानी डालेंगे, हम इसको लगातार चलाते रहें। अब इसको गैस गैस को हाई फ्लेम पर रखते हैं, उसको पकाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मसाला पककर तैयार हो चुका है। अब इसमें जो हमारी सोयाबीन चंग है तो उसको हमने पहले पानी में भिगो कर रख दिया था और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी, उसमें डाल देंगे। इसको चम्मच से अच्छी तरह से मसाले के अंदर अच्छे से इसको चलाते रहेंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चले जाए। और ये इस प्रकार से हम इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। बहुत ही अच्छी जायकेदार चटकी चटपटी सब्जी बनने जा रही है। चैनल को बने रहे। ये देखिए सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आया है और अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हुई है। हमारे सोयाबीन चंग है वो भी देखिए पककर तैयार चुके हैं। इसको चम्मच से दबाकर देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी जायकेदार सोयाबीन चंग ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए गैस को हम बंद कर दिया है और इसको हम अलग एक प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबूदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी वाली सोयाबीन चंग की सब्जी बनकर तैयार हुई है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसको आप रोटी पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हो। अच्छा दोस्तों मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। थैंक्स।